तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों 28 अगस्त को रिलायंस जियो की एनुअल जनरल मीटिंग हुई है, जो कि ये मीटिंग हर साल होती है। और इस मीटिंग में जियो अपनी नई नई डिवाइस को लॉन्च करने का अनाउंस करता है, और जो भी यहाँ पर रिचार्ज प्लान या कोई भी फोन लॉन्च करना होता है तो इस पर बात होती है। तो अब ये जो 2023 में एजीएम मीटिंग हुई है, इसमें क्या क्या अनाउंस किया गया है, क्या 5G फोन को लेकर कोई भी बात हुई है, क्या 5G नए रिचार्ज प्लान आने वाले हैं, और जो भी यहाँ पर जियो का एयर फाइबर है वो कब लॉन्च होगा, वो सभी बातें इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो भी यहाँ पर एजीएम में बताई गई हैं। तो जानने के लिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, एजीएम मीटिंग 2023 में जियो ने यहाँ पर 5G फोन को लेकर कोई भी अनाउंस नहीं किया है कि वो आगे यहाँ पर 5G फोन ला सकता है। 5G फोन को लेकर कोई भी बातचीत नहीं हुई है, और यहाँ पर जो भी 5G रिचार्ज प्लान है उनके बारे में भी कोई भी बातचीत नहीं हुई है। ये नहीं बताया है कि 5G प्लान लॉन्च होंगे या नहीं, मगर मैं आप लोगों को इतना बता देता हूँ, देखो नवंबर या दिसंबर के बीच में ये जो भी यहाँ पर जियो का 5G वेलकम ऑफर है उसको बंद किया जा सकता है, और उसी समय नवंबर या दिसंबर में आप लोगों को नए 5G प्लान्स देखने को मिल सकते हैं। तो अभी इस एजीएम मीटिंग में 5G प्लान्स को लेकर भी कोई भी अनाउंसमेंट या कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। वहीं हम बात करें जियो का एयर फाइबर, तो दोस्तों जियो का जो एयर फाइबर है उसकी लॉन्च डेट यहाँ पर अनाउंस कर दी है, वो रखी है दोस्तों यहाँ पर 19 सितंबर। मतलब दोस्तों यहाँ पर जो भी गणेश चतुर्थी है उसी वाले दिन जियो का एयर फाइबर लॉन्च होगा। अब उसी समय पता लगेगा कि इसकी प्राइस कितनी है और आपको इसमें रिचार्ज प्लान कौन कौन से देखने को मिलेंगे। तो डेट तो यहाँ पर इन्होंने फिक्स कर दी है, 19 सितंबर को जियो का एयर फाइबर लॉन्च होगा। और दोस्तों जियो ने कुछ भी यहाँ पर नया अनाउंस नहीं किया है, जो भी उसके पुराने डिवाइस जैसे कि जियो भारत B2 फोन उसके बारे में बातचीत की है, और जो भी यहाँ पर जियो का लैपटॉप है उसके बारे में भी उन्होंने बातचीत की है, और जो भी इनके बिजनेस से रिलेटेड इन्होंने बातचीत की है, मगर इस बार कोई भी नई चीज या कुछ भी अपडेट को लेकर यहाँ पर बदलाव नहीं किया है। तो चलिए, वैसे जियो 19 सितंबर को अपना एयर फाइबर लॉन्च करेगा। अब आप लोग मुझको कमेंट में बताना कि आप लोगों को जियो के एयर फाइबर के प्लान उसकी प्राइस के बारे में जानना है, वो आप कमेंट में बता देना। तो चलिए, आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। चलिए दोस्तों, मिलते अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिएगा। बाय बाय।